हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। यमा ने अपनी एक न्यू स्कूटर को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम यमा स्नाइपर 155 है। तो आज की इस वीडियो में हम यही मोपेड के फुल डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुक की बात करें तो इसका डायनामिक लुक दिया गया है। जब आप इसको राइड करोगे तो आपको एक स्पोर्टी फील होगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट डायमेंशन है इसका। इसके डिज़ाइन R1 से इंस्पायर्ड है जिससे आपको शार्प और स्पोर्टी देखने में लगती है स्कूटर। यमा ने स्नाइपर 155 के दो मॉडल को लॉन्च किया है। फर्स्ट है स्नाइपर 155 एंड सेकेंड है स्नाइपर 155R। दोनों बाइक में कुछ डिफरेंट है। पांच चीज़ों का अंतर है स्नाइपर 155 से स्नाइपर 155R में। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ डिफरेंट है। बाकी सब कुछ सेम है। यमा स्नाइपर 155 के दोनों मॉडल में सेम पावर है। इसमें आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FI इंजन देखने को मिलेगा और साथ ही आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है और इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यमा अपने हर एक टू व्हीलर में VVA टेक्नोलॉजी को यूज करती है, तो आपको इस बाइक में भी VVA टेक्नोलॉजी मिलता है। इस स्कूटर में आपको 9500 RPM पे 17.9 PS का पावर और 8000 RPM पे 14.4 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिल जाता है, जो कि 1.4 PS और 0.3 न्यूटन मीटर का कम पावर आपको मिलता है यमा की R15 से। यमा ने इस बाइक को फिलीपींस में लॉन्च किया है और अभी तक इंडिया में इसके लॉन्च को लेकर कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्नाइपर 155 में फुली LED सेटअप किया गया है। दो पीस LED हेडलाइट का सेटअप किया गया है जिसमें लो बीम यूनिट को हैंडल बार में माउंट किया गया है जिसमें नाइट में काफी अच्छा विजिबिलिटी मिल सके, और दो LED हाई बीम यूनिट को फ्रंट एप्रोन पे प्लेस किया गया है। टेल लाइट में भी LED का यूज किया गया है और अगर आप इसके एग्जॉस्ट को देखें तो ये R15 से मिलता जुलता एग्जॉस्ट इसका देखने में लग रहा है। इस स्कूटर के और भी फीचर्स की बात करें तो इसमें नेगेटिव डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सीट को भी स्लिप रेसिस्टेंट बनाया गया है जिससे ग्रिप अच्छी मिल सके। इसमें सिंगल सीट पीस मिलता है और स्नाइपर 155 का सीट हाइट 795 mm है जो कि R15 से 20 mm कम है। तो इसका सीट हाइट कम होने की वजह से काफी शॉर्ट वाले बंदे भी इसको काफी आराम से इस स्कूटर को राइड कर सकते हैं। यमा स्नाइपर 155 में 5.4 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है और इसके अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। और वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों वेरिएंट में 155 में और 155R में दोनों में डुअल डिस्क के साथ ये बाइक लॉन्च की गई है। इस स्कूटर में एक डिसएडवांटेज भी है, इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलता है जो कि होना चाहिए था। तो चलिए अब हम बात करते हैं यमा की स्नाइपर 155R और 155R में क्या डिफरेंट है। फर्स्ट डिफरेंट है कलर का। स्नाइपर 155R में आपको तीन कलर मिलते हैं, येलो हॉर्नेट, रेस ब्लू एंड ब्लैक रिविन। ये तीन कलर आपको 155 में मिलते हैं, बट 155R में 4 कलर मिलते हैं। ये तीनों कलर के साथ आपको चौथा जो कलर है वो है मैट टाइटन, जो कि मैट टाइटन आपको स्नाइपर 155 में नहीं मिलता है, स्नाइपर 155R में मिलता है। सेकंड डिफरेंट है, स्नाइपर 155R में 12 वोल्ट का पावर का चार्जिंग पॉइंट मिलता है जो कि स्नाइपर 155 में नहीं मिलता है। थर्ड डिफरेंट है, स्नाइपर 155R में स्मार्ट की का ऑप्शन मिलता है जो कि स्नाइपर 155 में नहीं है। फोर्थ डिफरेंट है ब्रेक। दोनों मॉडल में डुअल डिस्क तो मिलते ही है, बट स्नाइपर 155 में फ्रंट में डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है जिसका 245 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है जिससे आपको अच्छा ब्रेकिंग पावर मिल सके। फिफ्थ डिफरेंट है प्राइस का। यमा स्नाइपर 155 का फिलीपींस में प्राइस है 1,14,900 PHP जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 1,74,100 रूम होता है, और वहीं स्नाइपर 155 का PHP है 1,20,900 जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,84,100 रूम होता है। तो ये पांच डिफरेंट है यमा स्नाइपर 155 और यमा स्नाइपर 155R में। तो गाइज यही अपडेट है यमा की न्यू स्पोर्ट स्कूटर स्नाइपर 155 का, जिसके नाम में ही स्नाइपर है। स्नाइपर नाम सुनते ही पबजी की याद आ जाती है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये स्कूटर कैसा लगा, और अगर आपको बाइक रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं यूट्यूब से पहले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत, आपको ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या आप फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक क्लिक से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ अपडेट या वीडियोज़ के लिए आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।